अपने प्लेटफॉर्म के बिहाइंड किसी भी रिसर्च या डिजाइन प्रोसेस को शुरू करने से पहले यू हैव टू डिसाइड कि हम किस प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बना रहे हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या हम डेस्कटॉप या कंप्यूटर्स के लिए एक ऐप बना रहे हैं या मोबाइल फोन्स के लिए ऐप बना रहे हैं। आई वुड रिकमेंड कि बिगनिंग में आप दोनों को एक साथ अप्रोच मत करना। अगर आपने डिसाइड करा है कि हम एक डेस्कटॉप ऐप बनाएंगे तो पहले उस डेस्कटॉप ऐप को सक्सेसफुल होने देना एंड फिर उसको मोबाइल पे स्केल करना। वाइस वर्सा अगर आपने मोबाइल ऐप डिसाइड करी तो पहले चेक करो कि ये ऐप मोबाइल्स पे ठीक से रन करे, फिर धीरे धीरे आप उसको डेस्कटॉप पे स्केल कर सकते हो। क्योंकि द प्रोसेस बिहाइंड मेकिंग अ वेबसाइट वर्सेज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऐप इज वेरी डिफरेंट। एक मोबाइल ऐप डिजाइन करने में एंड एक वेब ऐप डिजाइन करने में बहुत फर्क है। दोनों के प्रोसेसेस, दोनों की अप्रोच में बहुत फर्क है। विजुअली आपको लगता होगा कि दोनों सिमिलर है, बट ऑन अ फंक्शनैलिटी लेवल, ऑन अ डिक्लेरेशन लेवल, फ्रॉम अ कोड पर्सपेक्टिव दोनों में बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बटन्स की बात करें तो अगर मैं एक मोबाइल ऐप का बटन सिस्टम बनाऊंगा तो उसमें अलग अलग स्टेट्स होगी। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में प्रेस स्टेट होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक डेस्कटॉप ऐप के लिए एक बटन सिस्टम बनाऊंगा तो वहां पे प्रेस तो है ही, बट वहां हवर स्टेट्स के लिए भी आपको डिजाइन करना पड़ता है। मोबाइल में हवर स्टेट्स होती नहीं बट डेस्कटॉप में होती है। ये मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया है, बट यही छोटे छोटे डिफरेंसेस कंपाउंड कर जाते हैं। देयरफॉर यू चूज वन प्लेटफॉर्म, उसके साथ स्टिक करो, रिलीज दी ऐप, चेक इफ इट इज बिकमिंग सक्सेसफुल और नॉट, एंड फिर दूसरे डिवाइस पे जंप करो। अब अगर आप एक डेस्कटॉप ऐप बना रहे हो तो यूजुअली ऑनलाइन डेस्कटॉप यूआई की इंस्पिरेशन ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देयर इज ड्रिबल, बट देयर इज वन रिसोर्स दैट आई रेगुलरली यूज एंड दैट इज pageflows.com। सो पेज फ्लोज इज अ वेरी वेरी रिलायबल प्लेटफॉर्म। आई यूज इट, इट इज अ पेड ऐप एंड ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है। आई एम जेन्युइनली रेकमेंडिंग यू क्योंकि मैं यूज करता हूँ। पेज फ्लोज पे आप इंडिविजुअली एक एक सॉफ्टवेयर की अलग अलग स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। तो वो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, उनके सारे फ्लोज की स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने वेबसाइट पर डालते हैं और उसको अलग अलग चैप्टर्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो आप फटाफट से अलग अलग वीडियो से, स्क्रीनशॉट से, रेफरेंसेज लेके अपने प्रोडक्ट की रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। अगर आप एक मोबाइल ऐप डिसाइड कर रहे हो तो मोबाइल के अंदर भी दो चीजें हो सकती है। या तो आप पहले iOS के लिए डिजाइन करोगे या Android के लिए डिजाइन करोगे। अगेन मैं दोनों को एक साथ किक स्टार्ट करने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। जब आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो आपने यूजर पर्सोनास बनाए होंगे। फिगर आउट करो कि जो आपका यूजर पर्सोना है उसमें मेजॉरिटी यूजर्स कौन सा फोन यूज कर रहे हैं। क्या वो iOS फोन यूज कर रहे हैं या Android फोन यूज कर रहे हैं। जो भी प्लेटफॉर्म चूज करो कि मेक श्योर कि आप उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करो। iOS हो या Android हो, दोनों के लिए इंडिविजुअली गाइडलाइंस है ऑनलाइन जो आपके डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स को फॉलो करनी होगी। iOS की अपनी HCI गाइडलाइंस है एंड Android की अपनी खुद की मटेरियल डिजाइन गाइडलाइंस है। अगर आपने ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी तो आपको डिजाइन स्टेजेस में भी प्रॉब्लम आएगी, उस डिजाइन को जब आप डेवलप करोगे तब प्रॉब्लम आएगी, एंड डेवलप करने के बाद उसको ऐप स्टोर पे लाइव करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इफ यू वांट कि आपकी ऐप बहुत इजीली ऐप स्टोर पे एक्सेप्ट हो जाए, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये गाइडलाइंस फॉलो करो। दोनों की गाइडलाइंस की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मोबाइल ऐप्स के लिए एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, विच इज फॉर अ वेब ऐप। ये एक ऐसी ऐप होगी जो आपके गूगल क्रोम पे खुलेगी। तो जो आपके फोन में गूगल क्रोम का ऐप है या कोई भी ब्राउजर का ऐप है उस पे खुलेगी। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक नेटिव ऐप बनाओ। नेटिव ऐप का मतलब कि अगर मैंने iOS के लिए ऐप बनाई है तो वो iOS के लिए ही बनी है, वो स्पेसिफिकली iOS की गाइडलाइंस को फॉलो करके एक iOS फोन के लिए बनी है। सिमिलरली अगर आप Android की नेटिव ऐप बनाओगे तो वो सिर्फ Android के लिए ही डिजाइन और डेवलप की जाएगी। नेटिव ऐप्स बाय डिफॉल्ट बेटर होती है, स्मूथ होती है, मोर फंक्शनल होती है। नेटिव ऐप्स बाय एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ होती है बिकॉज ऑब्वियसली वो ऐप उस स्पेसिफिक डिवाइस, उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बनी है। तो जब आप एक नेटिव iOS ऐप लॉन्च करोगे या एक नेटिव Android ऐप लॉन्च करोगे, उस ऐप का एक्सपीरियंस हमेशा बेहतर होगा। अगर आप मोबाइल के लिए डिजाइन कर रहे हो तो देर आर टू रिसोर्सेज जो आपको एब्सोल्युटली गो थ्रू करनी चाहिए। पहला इज mobin.design। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा है। बहुत सी एप्स होती है, यू गेट अ लॉट ऑफ स्क्रीनशॉट्स एंड इनके डिक्शनरी पैनल में आप इंडिविजुअली हर एक ऐप के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को स्टडी कर सकते हो। दूसरा रिसोर्स इज learnmobile.design। इस वेबसाइट पे आपको बहुत से आर्टिकल्स, रिसोर्सेज, गाइडलाइंस मिलेगी जो आपके डेवलपर्स और डिजाइनर्स को बहुत हेल्प करेगी। सो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर रिसर्च प्रोसेस, मेक श्योर कि आपके डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स इस वेबसाइट पे जाए एंड मैक्सिमम रिसर्च करें, क्योंकि इस वेबसाइट पे बहुत सी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को एक जगह क्लब कर दिया है।
तो इस वेबसाइट की आप जितनी रिसोर्सेज को स्टडी करो आपके लिए उतना बेहतर है। जैसे ही आपका प्लेटफॉर्म लॉक हो जाएगा, जो आपका स्कोप ऑफ रिसर्च होगा, जो स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, वो नैरो डाउन हो जाएगा। आपके दिमाग में एक फोकस आ जाएगा कि अच्छा, ये प्लेटफॉर्म है, ये गाइडलाइंस है और ये हमारा एम है। सो यस, जैसे ही आपका प्लेटफॉर्म डिसाइड हो जाएगा, यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो हमारे फ्री कोर्स यूएक्स डिजाइन फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड फाउंडर्स में से है, जो आपको यूएक्स डिजाइन, मार्केटिंग एंड हायरिंग पे सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड रिसोर्सेज फ्री में देगा। सारी वीडियोस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। पूरे कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।